बीएमसी से लेके रेलवे ऑफिशियल्स और एम्स के जो मेडिकल टीम है, यहाँ तक पूरा कंट्रोल रूम इधर ही है एम्स भुवनेश्वर हॉस्पिटल के अंदर। इस कंट्रोल रूम और कंट्रोल टीम के बारे में अगर बात किया सकता है, जो भी लोग मर चुके थे इस भयंकर एक्सीडेंट में, बालासोर के ट्रेन एक्सीडेंट में, उनका वेरिफिकेशन का प्रोसेस चल रहा है, ना कि बॉडी वेरिफिकेशन, पर जिन लोग उनके जो लव्ड वंस है उनके बॉडी कलेक्ट करने के लिए आ रहे हैं उनको भी इधर बुला के उनका पेपर्स का वेरिफिकेशन भी चेकिंग हो रही है, आधार कार्ड या और डॉक्यूमेंटेशन जो भी है उसका वेरिफिकेशन प्रोसेस भी हो रहा है। बीएमसी एक तरफ के है जो ये सब प्रोसेस चेक कर रहे हैं, उसके बाद पुलिस वेरिफिकेशन के लिए भी जाता है जहां की डॉक्यूमेंट्स और इनके पास जो अन्य भी वेरिफिकेशन का जो स्टेटमेंट्स है, टेलीफोन नंबर्स और आइडेंटिफिकेशन है, वो सब भी करके उसके बाद रेलवे ऑफिशियल्स के तरफ भी जाते हैं, जहां रेलवे ऑफिशियल्स से उनको ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन भी मिलती है और कुछ अमाउंट ऑफ कंसोलिडेशन भी मिलता है, कॉम्पनसेशन मिलने के बाद एम्स डॉक्टर्स के पास वो जो टीम है इधर बैठे हुए हैं उस टीम से उनका ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन भी आता है। कई सारे ये जो प्रोसेस है स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस किया ही जा रहा है कि ये सोचने के लिए और ये रखने के लिए कि जिन लोग भी इधर इस भयंकर हादसे में उनका मौत हुआ था, उनका जो विक्टिम्स के फैमिली है उनको थोड़ा सा आसानी मिले और सुकून मिले कि वो उनके घर वापस इनके लव्ड वंस के साथ वापस चले जाए। ये पूरा जो कंट्रोल रूम का सेटअप है ये एम्स भुवनेश्वर हॉस्पिटल के अंदर ही है और एकदम स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस ऑफ वेरिफिकेशन के सूद समय लेकर एलिमिनेट भी ये कर रहे हैं कि जिस तरह से इनको कोई भी तकलीफ ना हो। एक तरफ का है बीएमसी का ऑफिशियल्स जो ये भी देख रहे हैं कि किस किस स्टेट से या डिस्ट्रिक्ट से आए हैं लोग जो इस ट्रेन में थे, जो तीन ट्रेन का टक्कर हुआ था उसमें जिन लोगों के मौत हो गई थी वो लोग किस स्टेट से आए थे और किधर तक जा रहे थे। और दूसरी बात यह है कि इधर से अगले बिल्डिंग में ही मॉर्चरी भी है जहां पे कई सारे लोगों का जो बॉडीज है उसको भी रखा गया है और वो बॉडी आइडेंटिफिकेशन के प्रोसेस में ये जो कंट्रोल रूम सेटअप की गई है इसका बहुत बहुत काम आएगा। ये कंट्रोल रूम थ्री स्टेप कंट्रोल रूम के वेरिफिकेशन भी है जहां पे ना कि बॉडी आइडेंटिफिकेशन और वेरिफिकेशन प्रोसेस होगा पर जो फैमिलीज का भी वेरिफिकेशन है वो प्रोसेस भी हो रहा है और उनका जो इम्पोर्टेंट डिटेल्स और इम्पोर्टेंट चीजें वेरिफाई करने का है वो सब भी करने का हम देख सकते हैं इस पूरे कंट्रोल रूम में, एक रूम में। और इस हॉस्पिटल का जो अभी तक अनआइडेंटिफाइड बॉडीज है वो लगभग 120 के ऊपर अनआइडेंटिफाइड बॉडीज इधर एम्स भुवनेश्वर में आ चुके हैं। तकरीबन 13 या 14 बॉडीज अभी तक आइडेंटिफाई की गए हैं इस टीम और कई सारे टीम्स को मिला के, और इस एक्शन फोर्स के तरफ से जो थ्री स्टेप प्रोसेस है इसके तरफ से ये भी एलिमिनेट कर सकते हैं कि किस किस को किस तरह का वेरिफिकेशन प्रोसेस को लेकर क्या कौन सी भी डाउट्स है या इनको भी कुछ तरह का मदद चाहिए, इनको इस कंट्रोल रूम में आके किसी भी तरह का मदद या डाउट्स है इसको क्लियर करने की एक मौका मिलेगा। ये पूरा कंट्रोल रूम इधर ही सेटअप किया है और लास्ट 48 to 72 आवर्स में ये जो कंट्रोल रूम है बिल्कुल बरकरार काम कर रही है और इस तरह से ये लोग एलिमिनेशन प्रोसेस में वन बाय वन सबको जो फैमिलीज से जो आए हैं जिन्होंने उनके लव्ड वंस को खो चुके हैं वो इधर आके कुछ ना कुछ आंसर्स मिल पाता है। वीडियो जर्नलिस्ट चंदू के साथ अपूर्वा जयचंद्रन आज तक।